हाय फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग योर ओन वीडियो यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट्स। मैं सौरभ कुमार आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ दोस्तों। एंड दोस्तों, तो आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो केमिस्ट्री का, जो हम लोग पिछले प्रीवियस क्लासेस में बनाए थे 14 तक, राइट। तो आज 15 से आगे करेंगे और लास्ट तक क्लास चलेंगे। एंड दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए यूजर्स हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि वीडियो के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहे दोस्तों, राइट। और इस चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले दोस्तों, राइट, है ना। तो चलते हैं हम लोग यहाँ अब। तो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब कि जब हम लोग कोई रिएक्शन, जैसे एक रिएक्शन देखते हैं, बहुत सारे रिएक्शन है, उसमें कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें कुछ अनवांटेड सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में तो जब रिएक्शन होता है तो बॉटम पे जाके जमा हो जाते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर करके साइड कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे हम लोग चाय बनाते हैं, तो क्या होता है कि जब चाय बनता है तो उसके साथ चाय पत्ती भी बचता है, तो हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर कर लेते हैं और जो चाय पत्ती बनता है उसको क्या करते हैं, थ्रो कर देते हैं, है दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमारे वो अनवांटेड है, राइट। तो इस प्रकार के जो रिएक्शन होंगे जिसमें वेस्ट मटेरियल या अनवांटेड सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है सॉइल फॉर्म में, तो उस सब्सटेंस को हम लोग क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट। और इस प्रकार के रिएक्शन को कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन दोस्तों, यानी जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं दोस्तों, राइट। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे, है ना दोस्तों। तो दोस्तों कहना कि इन रिएक्शन प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, यानी कैसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो उस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी जिस रिएक्शन में होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल में जो पहला एग्जाम्पल है सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्लास 10 के लिए खासकर, कि कहा था कि जब सोडियम सल्फेट एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, यानी सोडियम सल्फेट जब एक्वस सोल्यूशन में हो और मेडियम क्लोराइड जो एक्वस सोल्यूशन में हो, जब दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करता है तो वाइट पीपीटी ऑफ बेरियम सल्फेट प्राप्त होता है दोस्तों, यानी बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड फॉर्म होता है दोस्तों। तो बेरियम सल्फेट होता है सॉलिड फॉर्म में प्राप्त होता है दोस्तों, जो हमारे लिए अनवांटेड होता है वो बॉटम पे जाके जमा हो जाता है रिएक्शन में दोस्तों, राइट। हम लोग क्या करते हैं, फिल्ट्रेट करके सोडियम क्लोराइड को अलग, बेरियम सल्फेट को अलग कर लेते हैं दोस्तों। ये बेरियम सल्फेट में क्या होता है, वाइट पीपीटी ऑफ बेरियम सल्फेट बनता है दोस्तों, राइट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो पहला रिएक्शन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड गिव राइज टू बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड दोस्तों, राइट, है ना। यहाँ पे ये दिखा दिया गया है कि ये किस फॉर्म में, यहाँ पे एक्वस में, ये भी एक्वस में, ये सॉलिड फॉर्म में, ये एक्वस। ये एरो इंडिकेट करता है कि ये पीपीटी है, नीचे इंडिकेट किया तो पीपीटी, अब ऊपर इंडिकेट किया तो गैस बनता है दोस्तों, राइट। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड एग्जांपल है Fe + CuSO4, जहां पर CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन है, तो बनता है FeSO4 एक्वस सॉल्यूशन और Cu सॉलिड के फॉर्म में प्राप्त होता है दोस्तों। जब फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको फिल्टर करके कॉपर को अलग कर लेते हैं और ये अलग हो जाता है दोस्तों, राइट। ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, याद रखिएगा दोस्तों, जितनी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है सभी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है दोस्तों, राइट, है ना। एक तो ये समझ गए होंगे दोस्तों, राइट। हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद द एग्जांपल एच, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ऑक्सीजन के बेस पे क्लासिफाई करना दोस्तों, है ना, यानी एक्सप्लेन करना। तो ऑक्सीजन में क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि गेन और गेन ऑफ ऑक्सीजन, यानी जब हम लोग क्या करते हैं, जब ऑक्सीजन किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं दोस्तों, राइट। तो उस प्रकार के रिएक्शन को क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। और किसी भी रिएक्शन में से, यानी किसी भी कंपाउंड में से जब ऑक्सीजन को हटाया जाता है, किसी भी मेथड से ऑक्सीजन को हटाया जाता है, है ना, तो उस कंडीशन में उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं दोस्तों। जब ऑक्सीजन गेन होता है तो वो ऑक्सीडेशन होता है, जब ऑक्सीजन लूज होता है यानी लॉस होता है तो उस कंडीशन में रिडक्शन होता है दोस्तों, ठीक दोस्तों, है ना। तो बोल रहा है कि सभी दोनों के टू टू एग्जांपल देना है दोस्तों, राइट। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद टू एग्जांपल्स इज दोस्तों, राइट। तो ध्यान दीजिए यहां, तो फ्रेंड्स इन व्हिच रिएक्शंस ऑक्सीजन गेन देन दिस रिएक्शन इज नॉन ए ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीजन में गेन होता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन, एंड व्हाइल ऑक्सीजन लूज देन दिस रिएक्शन इज नॉन ए रिडक्शन, और जबकि ऑक्सीजन लूज होता है तो उसको कहते हैं रिडक्शन कहते हैं, राइट। ऑक्सीडेशन का ये वाला एग्जांपल है Ca + O2 → CaO, यानी कैल्शियम ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, यहां कैल्शियम में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन दोस्तों, राइट। तो यहां पर कार्बन + ऑक्सीजन → कार्बन डाइऑक्साइड,
या कार्बन क्या कर रहा है ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, तो क्या कर रहा है ऑक्सीडेशन दोस्तों, राइट। तो कोई भी मेटल और ऑक्सीजन को लेके आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं दोस्तों। अब रिडक्शन, रिडक्शन में क्या है कि जेड एन ओ प्लस सी डिवाइड टू जेड एन प्लस सी, जेड एन के पास ऑक्सीजन तो यहाँ था हमारे यहाँ नहीं है, है ना, इसका मतलब क्या कैरियन ऑक्सीजन को हटा दिया, रिमूव कर दिया, जेनिंग ऑक्सीजन रिमूव हुआ यानी इसका लॉस हो गया, उसमें क्या कर रिडक्शन कराया। इसी प्रकार ये लीड ऑक्साइड जब कार्बन से रिएक्शन करता है तो लीड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है ना दोस्तों। तो यहाँ पर इसके पास ऑक्सीजन है था मगर इसके पास नहीं है, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, ऐसे ही रिमूव किया तो ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा दोस्तों, राइट। तो ऑक्सीजन गेन करेगा तो ऑक्सीडेशन और लूज करेगा तो रिडक्शन होगा दोस्तों, ठीक। इसका इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, जैसे टिन ऑक्साइड ले लेंगे, कॉपर ऑक्साइड ले लेंगे, तो कार्बन से क्या होता है ये सब, है ना, डिस्प्लेस हो ही जाता है दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्ट ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, यानी एक शाइनी ब्राउन कलर का कोई एलिमेंट है इसको गर्म करने पर वो क्या होता है, ब्लैक इन कलर, राइट। कहा कि नेम द एलिमेंट एक्ट एंड ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म, और कंपाउंड जो फॉर्म करता है उसका भी नाम क्या है। तो सबसे पहले ब्राउन शाइनी कलर का कौन सा होता है, कॉपर होता है दोस्तों। तो कॉपर को जब हम लोग हीट करते हैं, हीट देते हैं उसमें, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर देता है, कॉपर ऑक्साइड फॉर्म करता है जो ब्लैक कलर का होता है दोस्तों। तो इसका मतलब ये जो एक्स है वो क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा दोस्तों, और वो जो ब्लैक कलर का फॉर्म होता है वो क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड जाएगा दोस्तों, राइट, है ना। तो कहा आता है कि जब हम लोग कॉपर को हीट देते हैं तो वो गर्म होकर कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बन जाता है दोस्तों, राइट, है ना। तो एक्स क्या हो गया कॉपर, और ये ब्लैक कलर का क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड हो गया दोस्तों। तो when we heat brown colored element copper it turns into black color of copper oxide, तो क्या होगा, black color copper oxide बन जाएगा, CuS plus O2 divided by CuO, तो black color होगा। इसका मतलब ये जो X होगा element वो क्या हो जाएगा, copper हो जाएगा दोस्तों, है ना, और जो black color compound होगा, black color compound, हाँ दोस्तों, black color compound हो जाएगा copper oxide, कॉपर ऑक्साइड दोस्तों, राइट, है ना, ठीक, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, आयरन आर्टिकल्स यानी आयरन के आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये लोग या कोल्ड लोग या ऐसे बहुत सारी चीजें रहती हैं, तो इस प्रकार के जो मतलब आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स या बनते हैं जैसे कि कोल्ड हो गया, तो ये सब के ऊपर पेंट करना क्यों हो सकता है, पेंट करना इसलिए हो सकता होता है दोस्तों क्योंकि ये सब जो आयरन के बने होते हैं वो क्या करता है, एयर मोस्ट एयर से रिएक्शन करकर, है ना, एक रस्ट फॉर्म करता है जो डीप रेड ब्राउन कलर का होता है, जिसमें क्या होता है वो रस्ट फॉर्म होने के कारण क्या होता है, उसमें का जो मैटेलिक प्रॉपर्टी वो समाप्त हो जाता है ना दोस्तों, राइट। तो यानी उस आयरन को रस्ट बनने से रोकने के लिए, यानी मतलब का मोस्ट एयर से कंटेक्ट रोकने के लिए उसके ऊपर क्या किया था, पेंट लगा, ताकि वो मोस्ट एयर के कंटेक्ट में ना जाए जिसके कारण रस्ट फॉर्म ना हो, और ये जो रस्ट फॉर्म जो होता है, इस फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होते हैं उसको हम रस्टिंग भी कहते हैं दोस्तों, राइट, है ना। तो यानी कोरोजन से बचाने के लिए, कोरोजन से बचाने के लिए, आउटर लेयर का डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए, है ना, किसी भी आयरन के ऊपर पेंट किया जाता है दोस्तों, राइट। इसीलिए हम लोग कलम बनाते हैं तो क्या करते हैं, किसी चीज को पेंट कर देते हैं दोस्तों, लोहा को बना होता है खासकर, जैसे गेट हो गया, ये पेंट आयरन आर्टिकल्स टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द कोरोजन, हम लोग आयरन आर्टिकल्स को पहले से क्या रखते हैं क्योंकि वो कोरोजन से बच सके, है ना दोस्तों। बिकॉज व्हेन आयरन रिएक्ट विद द मोस्ट एयर आउटर लेयर ऑफ आयरन गेट ऑक्सीडाइज, है ना, अगर कोई भी जैसे कि आयरन अगर मोस्ट एयर से रिएक्शन करेगा ध्यान दिया दोस्तों, तो क्या होगा उसका आउटर लेयर, है ना, सो ऑक्सीडाइज हो जाएगा दोस्तों, ठीक। जैसे ही ऑक्सीडाइज होगा तो क्या होगा, रस्ट फॉर्म करेगा, रस्ट तो क्या होता है, अननेसेसरी अनवांटेड मटेरियल से, है ना, ठीक। तो इस प्रोसेस को हम लोग रस्टिंग भी कहते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट इज नॉन एज रस्टिंग, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रस्ट इज नॉन एज रस्टिंग, राइट। तो यहाँ पे ये आयरन, ये ऑक्सीजन है, है ना, जब आयरन ऑक्सीजन जब एक दूसरे कंटेक्ट में आता है और हीट मिलता है तो क्या होता है, रस्ट बनता है दोस्तों, ये डीप रेड ब्राउन कलर का होता है दोस्तों, राइट, है ना। तो ये कहा जाता है कि क्यों पेंट करना चाहिए, तो कोरोजन से बचाने के लिए पेंट किया। दोस्तों ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर कल्ड विद नाइट्रोजन,
कहा था है कि जो ऑयल या फैट्स कंटेन फूड होते हैं है ना, उसको हम लोग फिर नाइट्रोजन के पैक में ही क्यों रखते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन क्या होता है, वो नॉन रिएक्टिव एलिमेंट है जो कि किसी भी चीज से रिएक्शन डायरेक्टली नहीं करता है दोस्तों, राइट है ना। तो यानी फूड आइटम्स में जो ऑयल और फैट है दोस्तों, ठीक, ऑयल एंड फैट है, उससे क्या होगा, नाइट्रोजन कोई रिएक्शन नहीं करेगा, जिसके कारण अगर रिएक्शन नहीं किया तो कोई फंगस फॉर्म नहीं होगा, जिसके कारण उसका टेस्ट भी खराब नहीं होगा, उसका स्मेल भी खराब नहीं होगा, और वो फ्रेश रहेगा दोस्तों, राइट। इसलिए क्या किया जाता है दोस्तों है ना, कि कोई भी ऑयल और फूड, खासकर ऑयल और फूड जो फूड आइटम्स होते हैं, ऑयल और फैट का जो आइटम्स होता है फूड है ना, उसको हमेशा नाइट्रोजन के टाइट पैक में ही रखा जाता है दोस्तों, ताकि वो लॉन्ग टाइम तक सही रहे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर प्लस विद नाइट्रोजन, बिकॉज नाइट्रोजन डू नॉट रिएक्ट विद अदर सब्सटेंस, सो वी पुट इन नाइट्रोजन इन ऑयल एंड फैट आइटम टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेंसिडिटी, रेंसिडिटी से बचाने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों है ना, ठीक, कि फूड आइटम जो होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस पड़ जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस नॉन रिएक्टिव है, यानी किसी से रिएक्शन ही नहीं करता। हम जानते हैं हमारे एटमोसफियर में लगभग 70%, 70 से 78 या 9% इतना सिर्फ नाइट्रोजन है दोस्तों, राइट है ना, ये नॉन रिएक्टिव है, किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन डायरेक्टली नहीं करता दोस्तों है ना, और ये जो है ये फूड आइटम से भी नहीं रिएक्शन करेगा, रहेगी वो रेंसिडिटी से बचे हुए रहेंगे दोस्तों, राइट। और दोस्तों पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 20 में, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद द एग्जांपल इज, यानी क्लोरोजन और रेंसिडिटी का एक्सप्लेन करना, उसका एग्जांपल देना दोस्तों। क्लोरोजन तो हम लोग जानते हैं, जैसे कि आउटर लेयर किसी मेटल का आउटर लेयर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्लोरोजन डालते हैं दोस्तों, राइट। जैसे कि आयरन से रस्ट का फॉर्मेशन ऑक्सीडेशन के कारण है ना, रस्ट फॉर्म कर रहता है, रस्ट के रस्ट क्या होता है, रस्ट की मेटेलिक प्रॉपर्टी, आयरन की मेटेलिक प्रॉपर्टी के ऐसा नहीं होता, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसको क्या कहेंगे, क्लोरोजन कहेंगे दोस्तों, राइट। रेंसिडिटी इज जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं, रेंसिडिटी का मतलब क्या हो गया, ऑयली फूड है ना, जो फैटी फूड जो होता है, सो क्या होता है, जब ऑक्सीजन के कंटेक्ट में आता है तो क्या होता है ना, वो दोनों रिएक्शन करता है, यानी ऑक्सीडेशन होता है उसमें, और फंगस का फॉर्मेशन होता है, जिसका फॉर्मेशन होता है, फंगस का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण क्या होता है, उसका स्मेल है ना, सो मतलब फॉल स्मेल होता है, और प्लस बीचर टेस्ट होता है, ये सावर टेस्ट होता है, एकदम खट्टा टेस्ट होता है दोस्तों, एकदम बेकार है खाने में, तो समझ में आ जाता है कि अच्छा होता है दोस्तों। जब भी कोई फूड आइटम महकने लगे, बदबू करने लगे, तो समझ लीजिए एक्ट हो गया दोस्तों, राइट है ना। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्रोजन वेन मोस्ट एयर लेक विथ मेटल इज डिस्ट्रॉय द आउटर लेयर ऑफ द मेटल एंड फॉर्म ऑक्साइड, ये क्या करता है, आउटर लेयर को डिस्ट्रॉय करता है और ऑक्साइड फॉर्म करता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रोजन। जैसे आयरन के साथ रिएक्शन करता है क्या बनता है, आयरन ऑक्साइड, यानी तो रस्ट रस्ट फॉर्म करता है। तो फिर नेक्स्ट में है क्या, रेंसिडिटी व्हेन ऑयल एंड फैट वुड डायरेक्टली कांटेक्ट विद एयर फॉर द लॉन्ग टाइम, डायरेक्टली कांटेक्ट करता है एयर से बहुत लंबा समय के लिए है ना, एंड एंड फॉर्म फंगस ऑन द सरफेस, और क्या करता है, एक प्रकार का फंगस उसकी सरफेस के ऊपर फॉर्म कर देता है, जिसका टेस्ट सावर होता है, जिसका स्मेल फॉल स्मेल होता है, उसको दूसरे इन्वायरमेंट में लगता है, राइट। तो कह रहा है कि एयर लॉन्ग टाइम तक फॉर्म द फंगस ऑन द सरफेस, सो इट इज कॉल्ड रेंसिडिटी, राइट। तो क्या कहते हैं इसको, रेंसिडिटी कहते हैं, एंड कोई फूड प्लस ऑक्सीजन गिव्स फंगस, राइट है ना दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग के नेक्स्ट वीडियो में है ना, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।